आयोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। गुरुवार को सहजनवा थाने में आपस में मारपीट करने वाले प्रभारी निरीक्षक अंजुल चतुर्वेदी और उप निरीक्षक राम प्रवेश सिंह को SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने किया निलंबित। कहा, की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। गोरखपुर में संपन्न हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर अंतर सीमावर्ती सहयोग की कार्यशाला। वर्चुअल संबोधन में बोले CM योगी, कहा, जल्द अस्तित्व में आएगा रानीपुर टाइगर रिजर्व। प्रदेश सरकार बाघ संरक्षण को लेकर है संवेदनशील। प्रदेश में बड़ी बाघों की संख्या, गोरखपुर वासियों को सफेद बाघ के संरक्षण का मिला मौका। चोरी की घटना में शामिल 7 अभियुक्तों को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी किए गए मोटरसाइकिल का मडगार्ड, 2 मोटरसाइकिल के वाइजर, 2 मोटरसाइकिल की टंकी को किया बरामद, भेजा जेल। जिला नगरी विकास अधिकरण डूडा के तत्वावधान में स्वलंबी रेहड़ी पटरी वालों के स्वनिधि उत्सव का किया गया आयोजन। महापौर ने कहा, PM स्वनिधि योजना के तहत 20,000 लोगों को 10,000 रुपए का दिया गया लोन। 30% लोग लोन भरकर ले रहे हैं, 20,000 रुपए का लोन बन रहे हैं स्वलंबी। तीन अगस्त को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले वृहद रोजगार मेले की तैयारियों को लेकर CDO ने की बैठक। कहा, रोजगार मेले में 40 से ज्यादा कंपनियां करेंगी प्रतिभाग, 10,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने का रखा गया है लक्ष्य। माहौल बदला तो नोएडा की राह, चल पड़ा है गीडा। फ्लैटेड फैक्ट्री को केंद्र सरकार से मिला फाइनल अप्रूवल, जल्द जारी होगा टेंडर। करीब 33 करोड़ की लागत से बनेगी फ्लैटेड फैक्ट्री, 3 माह में शुरू होगा निर्माण। गीडा को रेडीमेड गारमेंट का हब बनाने की है पूरी तैयारी। और दीवानी न्यायालय परिसर का CEO कैन श्यामदेव बिंद ने डॉग स्क्वाड टीम के साथ किया निरीक्षण। न्यायालय के दोनों गेटों पर लगे सुरक्षाकर्मी को दिए आवश्यक दिशा निर्देश।